वेरी गुड इवनिंग, कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब आज खेला जा रहा है मैच मुल्तान वर्सेस कराची और इस वक्त मुल्तान की टीम बैटिंग करी है। बहुत ही सुकून से हमने आज देखा है मुल्तान के बैटर्स को, ओपनर्स को बैट करते हुए, और ऐसा लग रहा था कि यू नो चुप करके जीतने का प्लान बनाकर आए हैं। एनीवेज कराची आज कंपैरेटिवली बैटिंग में अच्छी नजर आई और इसके पीछे राज क्या था, और दूसरी जानब आज कुछ चेंजेस किए मुल्तान ने, कुछ चेंजेस किए कराची ने, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, सबसे पहले सुहेब अलवी मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ बैठे हुए हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, और उसके साथ मौजूद है हमारे साथ कमाल फरीदी जो कि हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कल ऐसे ही मैंने कह दिया था ऐसे ही कि हो सकता है किसी को रेस्ट कराएं, सो दे डिड यू नो थ्री चेंजेस मुल्तान की मैं बात कर रही हूँ। बट एक तो फोर्स चेंज था ना सोएब मकसूद का, ही वेंट अवे आउट ऑफ द बबल, माशाल्लाह बेटी भी उसके यहाँ, तो नाउ इज जॉइंट। अब वो तीन दिन का आइसोलेशन पीरियड करेगा तो नहीं आएगा, बाकी दो यस यू नो अच्छा हुआ कि कुछ कराया, यू टर्न आउट टू बी राइट। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि दे विल प्रॉब्ली गो विद द फुल स्ट्रेंथ बिकॉज दे वॉन्ट टू फिनिश एट नंबर वन, लेकिन बहरहाल यू नो गुड ऑफ देम टू मेक चेंजेस, प्रॉब्ली वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देम एज वेल। मतलब हालांकि पिछले हार के बाद आई डिड से वो एक अलग बात है, आउट ऑफ दैट मतलब मजाक के अलावा की बात है कि ब्रेव होना पड़ता probably, है क्योंकि अगर आप एक मैच हारे हो तो आप कहीं ना कहीं तो डर जाते हो ना। नहीं प्रॉब्ली वही सेल्फ बिलीफ बहुत है, बहुत सेल्फ बिलीफ है, फिर अपनी जो बैटिंग लाइन है उसको तो उन्होंने ज्यादा नहीं छेड़ा, यू नो वही आपका डेविड बैठा हुआ है, वही आपको रूसो है, खुशदिल शाह है, सो द थिंग इज के जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा हम 200 तो बना ही लेंगे, उसके बाद बॉलिंग हमारी डिफेंड कर ही लेगी, डिफेंड में भी बॉलर्स में भी आई थिंक एक या दो चेंज किए, कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग चेंज नहीं किया, सो आई थिंक गुड चेंजेस राइट। अगर हम कराची की बॉल के ऊपर मुल्तान की कराची की बैट के ऊपर मुल्तान की बॉल अगर आप चेक करें तो मुझे ऐसा लगा कि आज खुशदिल को कम मौका मिला, सिर्फ एक ही ओवर कराया और उसने एक विकेट लेकर दी। आज रुमान को लेकर आए थे तो रुमान को ज्यादा मौका दिया क्योंकि उसने शायद बाबर की विकेट ली थी, दैट टू वाज अ गुड विकेट। लेकिन रुमान मैच खेलने के बाद जो आखिरी मैच खेले थे वो अनफिट हो गए, उनको कुछ हील इंजरी हो गई थी, सो वो वापस आए तो मेरे ख्याल से पूरा उन्हें देखना चाहते थे, मौका देके क्योंकि आगे प्लेऑफ्स में उन्हें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुमान की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो चेक करना चाहते हैं कि भाई पूरे ओवर करवा लो क्या उसकी फिटनेस है, सो इस ये एक वजह भी थी। और रुमान जब आप खिलाते हैं तो रुमान उस किस्म का T20 का बॉलर है कि वो चार ओवर करता ही है। राइट तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कंसिडरिंग कि आज 100% लोगों को अलाउ कर दिया था, बहुत बड़ा क्राउड देखा आज। देखिए क्राउड तो नो डाउट वेट कर रहा है कि हमें इन्वॉल्वमेंट 100% दी जाए, शुरू से ही बात चल रही है, कराची में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, लाहौर में हल्के हल्के करके हुआ है और फाइनल की तरफ हम देख रहे हैं 100% क्राउड इंगेजमेंट है। लाहौर में माहौल ही डिफरेंट है इस फेस्टिवल का, PSL जिसे कहते हैं, जिस तरह से वहां पे रौनकें हैं, जिस तरह से लोग इंगेज हो रहे हैं, जिस तरह से हर कोई हर घर में इंगेजमेंट चल रही है, वहां पे लाइटनिंग की हुई है जो नियर बाय घर है वहां पे। आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कराची किंग्स का हाईएस्ट स्कोर है PSL 7 का, और कहा जा रहा है बाबर आउट हुए तो शायद इस वजह से ये स्कोर बना है क्योंकि बाबर, ये बात कल भी थी सोशल मीडिया, कल भी ये बात थी क्योंकि बाबर का आउट होना शायद लकी हो रहा है इसमें। बात ये भी हो रही है कि जितने सीनियर प्लेयर्स हैं अब तक, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, सब अपनी इंजरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस PSL में, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सीरीज आ रही है उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्लेयर्स उस सीरीज के लिए रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। शर्जील भी आज देखें स्लो बैटिंग की उन्होंने, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इमाद की बात ये कर रहे हैं कि क्या वो अपने आप को कैप्टेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हैं इंटरेस्टिंग मीर हमजा के बारे में, वो टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं इस वक्त, इंटरेस्टिंग बॉल मूवमेंट फ्रॉम मीर हमजा, नॉट जस्ट स्विंग आउट बट ब्रिंगिंग इनसाइड टू, क्वाइट एन अंडर यूटिलाइज टैलेंट, तो टैलेंट्स के ऊपर बात हो रही है, बहुत टैलेंट था PSL में लेकिन यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हुआ। मीर हमजा के ऊपर बात हो रही है, फिर वी मिस यू शेडी, एक ट्रेंड चल रहा है जो आई थिंक हर कोई ये बात कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट रही है और शराब खान की, वो परफॉर्मेंस मिस कर रहे हैं। राइट अच्छा आई वॉन्ट टू कम टू बाबर, आज तो एक जो उसकी विकेट ली है डेफिनेटली लाजवाब गेंद, मैं आपको बता रहा हूँ, इट वॉज अ स्लो डिलीवरी ऑफ शाहीन आफरीदी गेटिंग रोहित शर्मा आउट इन द वर्ल्ड कप,
बिल्कुल वही गेंद, द ओनली थिंग इज स्पीड का फर्क था। और आप ये देखेंगे जब स्पीड का फर्क था तो और कमाल है, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने तो स्पीड से भी मारा था ना रोहित शर्मा को, इसने तो बिल्कुल खिलवाया, मिडिल स्टंप पे बॉल देके अंदर आया, हिटिंग मिडिल एंड लेग, एंड बाबर हैड नो क्लू। और वो उसकी स्ट्रेंथ है, बाबर के स्ट्रॉन्ग एरिया भी उसने गेंद करके उसको आउट किया, तो एक लाजवाब, आई विल बीट यू वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बिल्कुल, तो बहुत लाजवाब गेंद की। लेकिन आफ्टर दैट वही जो कमाल ने कहा, मेरा भी बिल्कुल यही था कि चलो आज बाबर जल्दी आउट हुआ है, वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स। मैं वो देख रहा था 10 ओवर बाद 67 फॉर 1, आई मीन जो क्लार्क शर्जील से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें आधी खुली हुई है उसकी, बाकी वो बल्ला आधा खुला हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ये तो एंड में आई थिंक ये लोग बना गए, 10 प्लस बनाए और 11 प्लस की रन रेट से बनाए, तो इन लोगों ने कोई 107 रन बनाए लास्ट 10 ओवर्स। वो भी मुझे ऐसा लगा कि पहले मारना शुरू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हिटिंग शुरू ही आखिरी के डेढ़ ओवर में, मुझे लगा कि इवन इफ इमाद भी ही कुड स्टार्ट हिटिंग अ बिट अर्लियर, आखिरी डेढ़ ओवर में दो ओवरों में हिटिंग की प्रॉब्लम, अगर थोड़ा जल्दी करते शायद उसे बड़ा टारगेट दे सकते थे। देखिए शर्जील जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त लग रहा था कि बॉल उस तरह से मिडल नहीं कर पा रहे, और उसके बाद जो क्लार्क ने भी थोड़ा सा बेहतर खेला, अगर फॉरेन प्लेयर्स हम कराची के ओवर में देखें तो बेहतर खेला उन्होंने, सो इस वजह से रन हो गए। और एक चीज जरूरी ये है कि हमने देखा कि थोड़ा सा अगर विकेट्स इन हैंड तो आखिर में जाके अब 170-180 कर लेते हैं, सो वो उसके साथ चले। फिर बीच बीच में आज रोहेल नजीर को खिलाया, रोहेल नजीर की कब से बात कर रहे हैं कि एक पोटेंशियल टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, आप चांस तो दें, अपॉर्चुनिटी तो दें। कासिम थोड़ा खेले लेकिन कल भी अच्छा खेले थे, आज भी थोड़ा सा खेले, बट यू कैन कंटिन्यू आंसरिंग, बट द थिंग इज कि कासिम को किस लिए लेकर आया, उससे बॉल नहीं करवानी, सोच लिया है कि वो बैट्समैन ही है सर। ये मुझे पता है होता है कि या तो ये हो ना कि बाबर आजम नहीं है कप्तान, कोई कप्तान कोई फॉरेन क्रिकेटर है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट का या लड़कों की पोटेंशियल का नहीं पता, या फिर वो क्या ड्राफ्ट में उसकी मर्जी के बगैर कासिम अकरम को ले लिया था। उसकी वजह ये है कि भाई ये एक ऑफ स्पिनर है और वो पिछले उसमें जो पीएसएल खेला था शर्जील को आउट किया, बड़ी अच्छी बॉल की, एक ओवर जो यहां भी कराया बड़ा अच्छा किया था, क्यों नहीं बॉल कराई है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? सो आप उससे उसकी पूरी पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसकी पूरी स्ट्रेंथ आप यूज करें ना जिस काम के लिए। तो मुझे बस ये लग रहा है कि बाबर ठीक है, अब आप क्या कहें, पाकिस्तान का कप्तान है, कराची किंग्स का, और जब आप उसे खिला रहे तो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर तो वो कभी भी नहीं था, वो तो हमेशा आया था ऑफ स्पिनर, उसके साथ बैटिंग करता है, अंडर 19 वो इसी तरह खेला है, जिससे पूछे आपके वो ऑफ स्पिनर है और साथ में बैटिंग करते हैं। अच्छा आज मैंने डेनी को देखा कमेंट्री बॉक्स में, इससे पहले व्हेन डेनी वाज नॉट देयर लोग बहुत कह रहे थे वी आर मिसिंग यू, वी आर मिसिंग यू, एंड येट ही इज अ स्टार ऑफ पीएसएल। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? डेफिनेटली जिस हिसाब से मिसिंग कर रहे हैं उसकी कॉमेंट्री, इंगेजिंग कॉमेंट्री जो है उसको लोग मिस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट होती है कॉमेडी बॉक्स में। प्रॉब्ली इज वाइल्ड साइड पीपल मिस दैट बिकॉज़ ही इज जस्ट हिमसेल्फ यू नो एवरी टाइम। एब्सोल्युटली वो क्राउड नो फिल्टर होता है, हर जगह एंगेज होता है, तो वो मिस कर रहे थे, आ जाए तो उसके ट्रेंडिंग पे टॉप 10 ट्रेंडिंग पे भी रहा है। इसके अलावा आज जो टॉप 10 ट्रेंडिंग पे रहा है वो सुहेल तनवीर की माफी है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट की थी। बैन कटिंग और सुहेल तनवीर को 15% फाइन हुआ है जो कि नाकाफी है इस किस्म के इंसिडेंट के लिए, और उनकी माफी को कहा जा रहा है कि इनिशिएट उन्होंने किया था, लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं की अपॉलोजी। लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, आपको पता था इस तमाम सिस्टम का। रोहेल नजीर के ऊपर बात की जा रही है, जिस तरीके से फवाद भाई ने बोला कि वो काफी अर्से बाद खिलाया गया है, तो खिलाया गया है तो उसकी प्लेसमेंट क्या सही थी या नहीं थी, कासिम अकरम के ऊपर नीचे प्लेसमेंट कर सकते थे वो नहीं किया इन्होंने, तो उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर, कराची किंग्स के ऊपर टोटली बात हो रही है कि आज खेलने का कुछ हारने को नहीं था लेकिन खेल भी नहीं पाए वैसे। राइट, कुछ उनकी जो प्लेइंग यू नो स्टाइल है और जो जिस तरह से और वो गलतियां कर रहे हैं, एंड जब आप गिर रहे होते हैं, आप अच्छा नहीं खेल रहे होते, नोबडी यू नो कांट गिव यू अ चांस टू। मुझे तो ये लग रहा है कि दूसरी टीमें बेचैन है कि ये जीत जाए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस दिन गेम खेला 5 कैचेस छोड़ के, आज भी आप देखें चैरिटी सॉर्ट ऑफ, मतलब प्लीज जीत जाए, बेसिकली 67 फॉर 1 से उनको पता नहीं एक कहां पहुंचाया है उन्होंने 174। उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने उस पिच, इतनी भी बुरी पिच नहीं है, स्लो पिच है, लो बाउंस है, लेकिन बॉल भी स्विंग हो रहा है, लेकिन फिर भी स्लो खेले, अभी भी मैच फंसा हुआ है। सो द थिंग इज कि अगर अब भी अगर कराची किंग्स नहीं जीतेंगे, उन्होंने अपने दो चेंजेस भी कर लिए, सोहेब मकसूद को भी नहीं खिलाया, चलो फोर्स था, बट अगर अभी भी कराची किंग्स नहीं जीतेगा तो कब जीतेगा? अच्छा
12 गेंदों पर 29 रन चाहिए, ज्यादा स्लो हो गया मुझे लग रहा है थोड़ा सा, तो यू नो रिजवान को और शान को आज 11 गेंदों पर 23 रन रह गए। एक तो देखिए टारगेट जिस किस्म का था उसमें ये था कि थोड़ा सा स्लो तो वो खेले, बट जितनी क्रिकेट हम देख रहे हैं 170 या 180 चेज हो रहा है, अगर आखिर में आपके विकेट हैं पावर हिटर मौजूद हैं तो हमने एक एक ओवर में 14-14, 15-15 रन भी बनते हुए देखे हैं। चांसेस की होते हैं कि बाज़ औक़ात ये ना भी बने लेकिन बन जाते हैं, बट शान और रिजवान स्लो काफी खेले और वो लग रहा था कि अब ये आउट होंगे तो शायद रन बनना शुरू हो, उसके बाद बनने भी शुरू हुए, राइट ऐसा ही हुआ। अच्छा आज मीर हमजा खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म किया, कर रहे हैं, डू यू थिंक कि उनके टैलेंट को और ज्यादा चांस मिलना चाहिए था? देखिए मीर हमजा को अपॉर्चुनिटी मिल गई है और मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी में उन्होंने अपनी बता भी दिया है कि उनमें कितनी पोटेंशियल है और फ्रेंचाइज सारी की सारी उन्होंने उन्हें मिस किया था ना लेकर, और अब एक ही चांस मिला और अब तो अब वो रेगुलरली खेल रहे हैं, इसका मतलब पहली बारी में ही पता चल गया कि उनमें दमखम मौजूद है। जैसे कल मैं वकास की बात कर रहा था, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, और जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो इस किस्म की सिचुएशन में आप बता देते हैं। टू लेट फॉर जो क्लार्क टू वर्क, आई मीन अब आगे हाँ। मुझे तो ये खुशी हुई कि आज रॉयल नजीर से विकेट कीपिंग कराई, जैसे इन लोगों ने भी कहा, मेरा भी यही दिल था, क्योंकि देखें रॉयल नजीर वाज़ द फर्स्ट अंडरस्टडी ऑफ सरफराज जब वो आया था जी। उसके जी। बाद ऑब्वियसली रिजवान वेल मेरिटेड, बिल्कुल नो डाउट, फिर आजम खान, फिर हारिस, वो बेचारा तो पीछे रह गया, यानी ही वाज अंडरस्टडी और वो बल्लेबाज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो एक तो मुझे खुशी ये भी है कि जैसे हारिस को अपॉर्चुनिटी दी उनकी टीम ने, आजम को अपॉर्चुनिटी दी और उसको बाकायदा ट्रांसफर करके विकेट कीपिंग की अपॉर्चुनिटी दिलवाई, तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ रॉयल नजीर से, और आज उसने बहुत अच्छा खेला और बल्कि जब वो आया तो रन रेट बढ़ी है, वरना ये जो दो सीनियर्स थे तो मरवा गए थे 67 for 1। इट वाज अ कासिम और 15 गेंदों में शायद 28 बनाए, यू नो 13 रन बनाए हैं आज कासिम ने और 21 रन बनाए रोहित, तो इट वाज बैड लक दैट दे गॉट आउट, बट दे वर द वंस जिन्होंने ये इम्पेटस दिया कि आप एटलीस्ट ऐसे, एक तो जैसे कमाल ने बताया उनके जाने के बाद बल्कि स्लो हो गए, वो दो विकेटें गिरी जब उनकी, तो ऐसा लगा कि फिर से अपने दोबारा डिफेंसिव गेम पे आ गए, तो ये बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा जो मीर हमजा की बात की, आई एम वेरी हैप्पी, फ्रेंकली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस गुड फ्रॉम हिम, बिकॉज मैंने जब उसका टेस्ट डेब्यू देखा था वहां पे यूएई में जी, तो समहाउ आई फेल्ट के यू नो टॉप क्लास क्रिकेट के लिए जरा सा स्लो है, लेकिन जो उसने कल बॉलिंग की और आज जैसे फवाद ने भी बात की, मैंने भी ये नोट की थी, स्विंग यानी इतनी स्विंग कर रहा था, और अगर आपको याद है कि जब हसन अली के ऊपर बात हुई थी जो इस्लामाबाद के अर्लियर मैचेस में, मैंने कहा था इसकी पहली दो गेंदे स्विंग हुई है, व्हाई डज ही देन ब्रिंग हिज लेंथ बैक, मेरी समझ में नहीं आता। आज रुमान रईस ने भी और हमजा ने भी प्रूव किया है कि अगर आप वाइड गेंद को आप पहले दो ओवर में सामने फेंकेंगे तो जितना वो स्विंग होगी, और आप देखिए इतनी इतनी स्विंग हो रही थी, एंड दैट इज वेयर द मुल्तान ओपनर्स ऑल्सो गॉट कॉट, सो आई एम रियली हैप्पी कि किसी में इतना दम है, इतनी दिलेरी है कि वो फेंक रहा है नोइंग कि अगर जरा सी चूक हो गई छह के लिए जाएगी, राइट right. अच्छा मैं एक चीज बस ऐड कर दूं, वो ये कि आपने कल हारिस को देखा, कासिम अकमल को देखा और रोहिल नजीर, ये बच्चे थोड़ी जब भी क्रिकेट खेलने हैं फेयरलेस क्रिकेट इन्होंने खेली है, थोड़ा थोड़ा खेले हैं, लेकिन जो हमारे पुराने आते हैं अपनी पूरी बारी, उन्होंने कहा नहीं जी क्रिकेट अब चेंज हो गई है, हमने उसी अंदाज में खेलनी है, तो वो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, राइट। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली मैच तकरीबन खत्म, बल्कि खत्म ही हो चुका होगा, तो मैच के खत्म होने के बाद अब देखते हैं किसकी विन के बारे में बात करें, बिकॉज़ इट्स क्लोज बट लग ऐसा रहा है कि मुल्तान के हाथ में गेम। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन, और जनाब कराची एक दफा फिर हार गया है। एनीवे सो एक कंसेक्यूटिव लॉस फॉर कराची, सैड फॉर देम, वेरी सैड फॉर देम। पिछले दो मैचेस में हमने देखा कि उन्होंने बेटर गेम परफॉर्म किया था, लेकिन अगेन दे मेक सो मेनी मिस्टेक्स के अगर एक जगह से कवर करने हैं तो दूसरी जगह से फिर उनको यू नो किसी गलती की वजह से नाकामी का मुंह देखना पड़ जाता है, जो कि आज भी एक दफा फिर से हुआ। सो आई विल नॉट डिले एनी मोर एंड गो टू द लास्ट शॉट दैट वी सॉ, Riley, what a shot he played. बहुत मुश्किल शॉट था, मतलब ऑफ स्टंप पे आके और फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना, अमेजिंग शॉट, बट ही वाज एक्सपेक्टिंग द बॉल टू बी ऑन द ऑफ साइड, बिकॉज उसको पता था कि लेग पे आएगा, तो उसने जगह बना के आई थिंक अ ग्रेट शॉट, रियली अच्छी बात यह है।
कि वो फिर उसके बाद इस तरह का ड्रॉप करना बनता भी है। यस, बल्ला ड्रॉप करके रोमान रईस की तरह सेलिब्रेट करना, और रोमान रईस का ये नया सेलिब्रेशन नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी से करता आ रहा है। जब उसने वो सेमीफाइनल में भी अपना डेब्यू किया था, फिर फाइनल में भी खेला था, आउट करके वो यही करता था। अच्छा, एक चीज मुझे अच्छी लगती है, व्हेन यू काइंड ऑफ डू समथिंग इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट टू समबडी एल्स, एंड यू नो अच्छा लगता है ऐसा स्पिरिट देखकर। जब कभी कभी हमें बहुत सारी रैश चीजें भी होती हुई नजर आ जाती हैं, लाइक हम कल के एग्जाम्पल, नॉट गोइंग टू गो देयर डायरेक्टली, बट आई जस्ट वांट टू गिव हिंट कि देयर आर गुड थिंग्स दैट यू कैन डू। आपको एग्जाम्पल सेट करना है ना, आप अच्छी एग्जाम्पल दे सकते। और देखें, यही ज्यादा याद भी रहता है, आई डोंट नो कि लोग क्यों दूसरे किस्म की चीज करते हैं। याद हमेशा यही चीजें रहती हैं जो आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जीत के। Right. पता नहीं आउट हो करके हमने एक नई नई चीजें निकाली, लेकिन ये ज्यादा याद रहता है। राइट, अबाउट बाबर आजम क्या चल रहा है, बिकॉज अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट भी नजर नहीं आती कराची की जानब से कोई, और शायद फैंस भी कंटिन्यूटी चल रही है कराची किंग्स की। जो सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है वो यही कह रहे हैं, बड़े बेआबरू होके निकले पीएसएल से इस तरह। तो बात सिर्फ यहाँ पीएसएल पे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे नहीं हो रही, मैनेजमेंट पे हो रही है, टीम सिलेक्शन पे हो रही है, जो ड्राफ्टिंग हुई है, कैप्टनशिप पे हो रही है। यहाँ पे आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वसीम अकरम नजर आए, और वसीम अकरम इंगेज होते हुए बाबर आजम के साथ नजर आए लास्ट ओवर में। तो ये बात सोशल मीडिया में बड़ी प्रिवेल हो रही है कि अब क्या मोमेंट थे जो अब समझा रहे हैं आप, जो आपको टीम मीटिंग में करना चाहिए था, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए था, लास्ट मैच में आप आके बाबर आजम पे शायद गुस्सा निकाल लें, एग्रेशन निकाल लें, वो लोगों को पसंद नहीं आई बात। क्योंकि बाबर आजम नो डाउट नंबर वन प्लेयर है और हीरो है हमारे मुल्क के, तो उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर जरूर बात हो रही है कि वो क्या बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए पीएसएल से, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में और पिछले सीजन में, वो परफॉर्मेंस क्या वो ये कंटिन्यू कर पाएंगे आइंदा आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में और डिफरेंट वर्ल्ड कप तक, तो ये किस तरीके से रिहैब करेंगे इस क्राइसिस से जो पीएसएल में इन्होंने देखा है। राइट, अच्छा कुछ बात कर लेते हैं ओवरऑल कराची के ऊपर, बट स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बाबर आजम इज अ बिगर प्लेयर देन व्हाट ही हैज कम आउट विद इन दिस पीएसएल। फार बिगर, कमाल हैज ऑलरेडी आंसर्ड मोस्ट ऑफ व्हाट आई वांटेड टू से। आई विल जस्ट ऐड वन थिंग जो मेरे दिमाग में था, जिस वक्त टॉस हुआ, और ये अभी से नहीं, ये आठों मैचों से देख रहे हैं, आप कोनिया मार रहे हैं, आप शोगल कर रहे हैं, आप किसी बर्थडे पार्टी में आए, यार आईपीएल जाके बिग बैश जाके टॉसेस देखो उनके। यू सी यू मे बी फ्रेंड्स विद रिजवान, योर ग्रेट फ्रेंड विद शादाब, इज नॉट द वे। अच्छा, उसके बाद मैसेज क्या जाता है आपकी टीम मेंबर्स को, कैप्टन इज नॉट सीरियस, कैप्टन इज टेकिंग इट लाइट, हार रहे हैं तो हार रहे, यू नो ये एटीट्यूड जा रहा है। This is what is wrong completely. अच्छा, आप आउट हो रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, कोई दूसरा आउट हो रहा है, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, आप हंस रहे हैं, आप जाके लॉन्ग ऑन पे खड़े हो गए, सारे कप्तान जो हैं वो लेफ्ट राइट पे बॉलर्स को एडवाइस दे रहे हैं, आप जाके लॉन्ग ऑन पे खड़े हो जाते हैं। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स वेयर बाबर आजम हैज कम आउट एज अ वेरी इमेच्योर पर्सन, जैसे कि उसको पता ही नहीं। अच्छा, एक और सिग्नल क्या जा रहा है, आई डोंट केयर इफ कराची किंग्स लूजेस, मैं तो पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं तो ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन हूं, मेरे लिए तो ये शोगल है, दिस इज नॉट सीरियस क्रिकेट फॉर मी, इस तरह के वाइब्स जा रहे हैं। जब इस तरह के वाइब्स जाएंगे तो प्लेयर्स भी, जब तो इमाद भी चढ़ा हुआ है कि भाई इमाद जब कप्तान होता था उसकी इंटेंसिटी देखें आप, अभी भी जब वो कप्तान नहीं भी है तो आप उसकी इंटेंसिटी देखें। आई मीन ये कुछ तरीका होता है आपको फाइट करने का। अभी वो जॉर्डन से एक मिस्टेक हो गई, ही गॉट एंग्री एट हिम, जबकि यू नो बाबर इज अ कैप्टन। So, ये बड़ा अफसोस हुआ है मुझे पूरी सीरीज में बाबर की कप्तानी देख के, एक्सट्रीमली लेथार्जिक, अनकंसर्न्ड। अच्छा, एंड में वो जैसे कमाल ने कहा, यही मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी जब हम उसमें देख रहे थे, आप लास्ट ओवर है, अब वसीम अकरम जाके उनसे बुरा भला करें ताकि मैं कैमरे पे आ जाऊं, ये देखूं कि मैं बड़ा दुखी हूं। भाई व्हाट आर यू डूइंग फॉर द लास्ट 7 मैचेस, What were you doing 5 hours before? पहले तो आपका वो बॉलर भी नहीं बदल सकता। दूसरी चीज, ये आपकी जॉब नहीं है जो आप अब कर रहे हैं। अगर आपको करना ही था तो फिर पहले कर लेते। पहली बात है, बिल्कुल यू वेरी राइटली सेड, कोच क्या कर रहा है भाई, आप हैं टीम डायरेक्टर, आप बैठे जाके या तो घर पे बैठे या दफ्तर में बैठे, और नीचे आए तो आराम से विव रिचर्ड्स की तरह बैठे हैं आप जाके बाबर आजम को डांट रहे, मोर यू देख रहा है कि व्हाट्स ही डूइंग। सो बात ये है कि ना फिर आप कोच पे चीख रहे हैं, ये सारा दिस वॉज ऑल फॉर द कैमरास, दिस वॉज ऑल टू शो एवरीबडी कि मैं बड़ा दुखी हूं,
और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो ये करना चाह रहा था, मैं तो वो करना चाह रहा था। आज उसने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ड्राफ्ट में हम बहुत होमवर्क करके गए थे, मुझे ये सुनने में मिल रहा है कि हमने कोई होमवर्क नहीं किया। हाँ, उसने कहा कि हम बाकायदा होमवर्क करके गए थे, वी वर जस्ट लकी अनलकी कि जो प्लेयर्स हम लेना चाहते थे दूसरों ने पहले ले लिया। तो भैया आपका प्लान बी और प्लान सी क्या था? अच्छा, कमिंग एज इमाद का मेंशन किया है आप सुहेब ने, मुझे ऐसा शायद ये आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि इमाद उन दो मैचेस में बेटर परफॉर्म किया जिसमें बाबर नहीं चला। थोड़ी सी तीली लगाने वाली बात लगती है ये, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो मुझे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ? मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इमाद को थोड़ा सा बुरा लगा है कि वो एज अ कैप्टन नहीं कराची को लेके चला। दूसरी चीज, शर्जील वाला सिनेरियो भी, इस दफा शर्जील चलते हुए नजर नहीं आए, पूरी लीग में वो चल रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर को अपना गेम नहीं खेलने मिला बिकॉज शर्जील नहीं चले, तो जिम्मेदारी उन पर आ रही थी। देखिए, इमाद वाली बात पे मैं आपको बताऊं, अब आगे भी आइंदा फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो लोग चला रहे हैं उन्हें देखना होगा कि आपका वहां पर अगर एक कप्तान सेटल है तो जबरदस्ती कोई पाकिस्तान का कप्तान बन जाता है तो उसको आगे कप्तान ना बना दें। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट जब हम कराची में खेलते थे ना तो बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स उस टीमों में होते थे, यूनुस हो गया, मुइन खान हो गए, और जब ये लोग आते थे ना तो उन्हें फौरन कप्तानी नहीं दी जाती, होते थे नहीं यार तुम लोग क्लब को देख रहे हो, लड़कों को देख रहे हो, और मैं तो पाकिस्तान की टीम से आया हूँ तो आप कप्तानी करो, मैं अपना रोल प्ले करूंगा। सो वो एक गलती तो ये हुई कि आपने एक अपना ठीक ठाक कप्तान था जो इंटरेस्ट लेता था, जो जो टीम को चला रहा था, उसको जबरदस्ती हटाया, तो वो ड्राफ्टिंग तो अलग बात है, ये क्यों किया? आप पॉपुलर डिसीजन लोगों को खुश करने के लिए नहीं लेते ना, आपके लिए फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। आपने बाबर की बहुत अच्छी बात की, उसकी वजह यह है कि अब शर्जील वो प्लेस कर रहा होता था सिंगल, और शर्जील आके अब 150-160 के स्ट्राइक रेट से पिछले पीएसएल में भी 100 हो गए थे, 200-250 हो जाते थे, तो उसको एक मौका मिल जाता था। बाबर यू शुड प्ले हिज ओन गेम, प्रॉब्लम तो उसको मुश्किल हो रही है, मुझे लग रहा है अब मुश्किल हो रही है, मुझे तो लग रहा है कहीं से वो एक्सपोज भी इस क्रिकेट में हो रहा है। उसकी वजह है कि वो इसी तरह खेलता है। अब ये जो कंडीशन है ये वो यूएई में 150 वाली 140 वाली नहीं है, यहाँ पर आपको 190 चेज करना है, 190 बनाना है, सो उसके लिए तो आपने खुला खेलना है जिसे हम कहते हैं। अब वो आप उस तरह खेल नहीं पा रहे को करके हाँ, देख रहे हैं जो कर रहे हैं अब, और प्लस ये है कि जी मैं बाबर आजम भी हूँ, मैं पाकिस्तान का कप्तान भी हूँ, मैं नंबर वन बैट्समैन भी हूँ, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि जी मैंने आउट भी, मैंने अपने रन भी करने, सो इस तरह होता नहीं है। वो एक अपने इमेज को बचाने के लिए जो बन गया है और उल्टा उसको नुकसान हो रहा है मेरी नजर में। अब तो खैर जो होना था वो हो गया, जितना दो मैचेस ही रह गए, राइट, प्रॉब्ली दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज नाउ, मैं सब कुछ तो हो गया। लेकिन इस पर ही बात करेंगे कि एक एस्पेक्ट मुझे सरफराज के साथ ये होता नजर आया था कि व्हेन द प्लेयर, मुझे ऐसा लगा, इज नॉट रेडी, आप उसे इतनी जिम्मेदारी दे दो और उसके बाद उसके फेलियर्स खुल के सामने आने लगे बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड देन अगेन मुझे बाबर के साथ भी वो होता लग रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग बट आई विल गो टू माई एनालिस्ट फॉर दैट आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। बैक अगेन जनाब, तो इससे पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी अबाउट द कैप्टेंसी, आई गॉट टू नो दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। अभी और भी क्वेटा के मैचेस हैं, आई वांटेड टू डिस्कस सरफराज एंड बाबर आजम एज अ कैप्टन, लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं जनाब। 14 पॉइंट्स के साथ इस वक्त मुल्तान सुल्तान है टॉप पर, उसके बाद 10 पॉइंट्स है लाहौर के, इस्लामाबाद के 8 पॉइंट्स है, तीसरी पोजिशन पर इसलिए है क्योंकि रन रेट बेटर है, और चौथे नंबर पर है पेशावर जल्मी विद 8 पॉइंट्स विद अ लिटिल स्लोअर नेच rate, so that's why they are on the number 4. But having said that, kal matches inhi do positions ka hone ja raha hai, that is Peshawar is going to play Islamabad United tomorrow, so usi par baat kar lete hain. We'll take Kamal first. Kamal, kya chal raha hai kal ke match ke liye? Is points table something jisko consider kiya ja raha hai ya abhi tak sirf jo playing 11 hai us par baat ho rahi hai? Dekhiye, dono teamon ke points to barabar hain, 8-8 points dono ke barabar hain, lekin Peshawar Zalmi ko edge ye hai ki wo jeet ke aa rahe hain, लास्ट मैच उन्होंने अपना जीता है और जीत के आ रहे हैं तो शायद परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद को देखना होगा क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रिप्लेस हुए, वो रिप्लेसमेंट उनको कितनी, क्योंकि टॉप परफॉर्मर जो पीएसएल के शराब वो नहीं खेल रहे इंजरी की वजह से और डिफरेंट रीजन की वजह से, और मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो इनके वॉक आउट हो गए, चले गए, तो ये रिप्लेसमेंट कितनी उनको डैमेज करेगी ये कल के मैच पर पता चलेगा। अच्छा, योर ब्रीफ एनालिसिस ऑन टुमारोज मैच,
विद नो मतलब नोइंग के अभी इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, हैविंग सेड कि उनके यू नो प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, ऑल्सो विद पेशावर के वो जीत करा? देखिए जीत के जिस तरह इस्लामाबाद आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका ज्यादा होगा जिस तरह से वकास ने मैच जितवा के दिया है। ये बात भी है, वो बहुत तगड़ा मैच जीते थे और बदकिस्मती ये है कि उनके दो प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल अभी तक की खबरें नहीं है, शादाब भी नहीं है, जीशान भी नहीं है, लेकिन उन्होंने आसिफ इज गोइंग टू बी द कैप्टन जी, और उन दोनों के बगैर उन्होंने जीत के भी दिखा दिया, सो कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑलरेडी मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है कि शायद जाहिद महमूद अवेलेबल हो जाए, और जिस तरह से वकास ने और मीर हमजा जो जो इस तरह से आए हैं एकदम से वो परफॉर्म ही कर रहे हैं, तो हो सकता है जाहिद भी उस मोटिवेशन के साथ आए कि मुझे अपने आप को मनवाना है। मुझे थोड़ा सा इस्लामाबाद फेवरेट लगता है, इस्लामाबाद फेवरेट लगता है। आपने पेशावर कहा, हैविंग सेड कि व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, एलेक्स हेल्स भी नहीं है, सो देयर इन अ बिट ऑफ ट्रबल, आई विल स्टिल बैक इस्लामाबाद। राइट, व्हाई? बिकॉज एक तो वही जो रीजन फवाद ने बताया कि वो जो एक पम्प्ड अप एनर्जी ऑफ विनिंग दैट मैच सो क्लोजली, सेकेंडली सेल्फ बिलीफ बहुत है, शादाब नहीं है, पता नहीं चला ग्राउंड में, आपका कप्तान चला गया, जीशान जमीर जो जिसने विकेट ली बाबर आजम की वो चला गया, आप देखें उनके एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, सो देयर जेलिंग एज अ टीम, दे गॉट अ कलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी। राइट, व्हाई दैट पॉजिटिविटी, हैविंग सेड दैट, व्हाई नॉट इन सम ऑफ द अदर टीम्स जो हम प्रॉब्ली एक तो ये कि शादाब ने कल्चर ये पहले टीम से ऐसा किया हुआ है, प्लस आई थिंक दे आर मैनेज बेटर, आई थिंक जो फ्रेंचाइज ओनर है ही इज डूइंग वेल, उसने ज्यादा इंटरफेस नहीं किया, यहाँ पे तो हम देखते हैं कुछ ओनर्स के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, ट्वीट्स आ जाते हैं, ही इज वेरी लो की गाय, और वो हमेशा चला है फ्रॉम PSL 1, ही इज बीन अ लो की पर्सन, तो उसने अथॉरिटी दी हुई है, ठीक, नीचे शादाब इज लीडिंग द टीम वेल, तो एवरी वन नोज देयर रोल, दैट इज द की। राइट, कल यू फील के एक अच्छे स्टार्ट मिस कर रहा है इस्लामाबाद आफ्टर पॉल और हेल्स का, यू नो पहले पॉल चले गए, अब हेल्स को भी इंजरी हो गया, तो व्हाट डू यू फील कल क्या हो सकता है, पॉसिबली कैसे प्ले करना होगा ताकि यू नो एक अच्छा जो बैटिंग लाइन है उनको मिल सके, हैविंग सेड कि अब शादाब जो ऊपर कोई नहीं चलता था तो वो तो चले जाते थे, वो भी मिसिंग है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी बिग थिंग फॉर देम। सादिया एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना जिस सिचुएशन में वो जीते, तो उससे होता यह है कि ये जो भी चले जाएं बैट्समैन भी देख रहा होता है, बॉलर भी, जो जो, जो रोल होते हैं ना कि अब हमारे ये मेन प्लेयर नहीं है, जैसे उसने कहा कि हम ये मैच शादाब को डेडिकेट करते हैं, जब ऐसे यूनिट आप एक टीम की तरह बन जाते हैं ना और ये सिचुएशन आती है तो आप और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगते हैं, आपकी सोच और आती है कि मैंने और सीरियस और जान मारनी है अपने आप को या अपनी टीम को, प्लस जो सोएब भाई बात कर रहे हैं कि जब एक टीम को आप टीम की तरह चलाते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि जी आप चला रहे हैं आपका काम है, सो वो सही मायनों में उसे टीम बना दे। इस्लामाबाद के जो भी लड़के हैं ना वो उस टीम को बड़ा ओन करते हैं, ज्यादा आपको देख ले क्योंकि ये पुराने अरसे से खेल रहे हैं इस्लामाबाद के साथ, तो उससे उस टीम का वो कल्चर बन जाता है, और उस कल्चर का फायदा ये होता है कि वो जीत में बदलता है या बुरा वक्त भी आ जाए तो वो बेहतर खेलते हैं। ऑल्दो अब ऑन पेपर देखें तो पेशावर उनसे थोड़ा सा बेहतर हो गया है इन इन लड़कों के आउट होने के बाद, लेकिन जीतती टीम है। राइट, सो प्रोबेबली आई वुड साइन ऑफ विद द फैक्ट कि कल चूंकि बहुत ज्यादा चेंजेस है इस्लामाबाद और पूरी हिल गई है, उसके बाद अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद अपने जोश से जीत जाता है या पेशावर जलमी इसका फायदा उठा पाते हैं। कल के शो के साथ फिर हाजिर होंगे, एनालिसिस होगा कल के मैच पर जो कि पेशावर वर्सेज इस्लामाबाद है, पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम ऊपर चली जाएगी ये कल डिसाइड होने जा रहा है, कल का शो भी मिस नहीं कीजिएगा, देखते रहिए आज न्यूज़।